तीन तरीके थे। तीन तरीके थे। पहला था आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको निकाल दिया है सिलेबस में से। वैसे सिलेबस में निकाला नहीं है, ये कोविड की वजह से 2020-21 निकल गया है। हो सकता है शायद आपका भी लगे सिलेबस वही का वही, इसलिए मैं ये मेथड आपको अभी नहीं पढ़ाऊँगा। अगर फुल सिलेबस हुआ तो पढ़ा दूंगा आपको। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, ये जो मेथड है ये बिल्कुल आप बोल सकते हो एकदम सटीक मेथड है। अगर जो कोई भी क्वेश्चन आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं कर पाओगे, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन में रूट दिख गया क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट इस मेथड से आप रूट वाले क्वेश्चन भी कर पाओगे। इजी मेथड है, और जहाँ कुछ भी नहीं लग पा रहा है, जहाँ कुछ भी सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सी मेथड है, एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले थियरी पार्ट डिस्कस करेंगे। यहां पर भी, अरे अभी भी ज्वाइन, यहां पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है। तो हम स्टेप वन में ध्यान से देखना, स्टेप वन क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। और ये फाइंड करने का तरीका क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये इसलिए फाइंड करना है क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है या नहीं। यहाँ से आपकी तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं पहले आपको थियरी एकदम प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगी पक्का एकदम से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किए थे। मेथड समझा, थियरी समझा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन किए तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गए, ठीक है। पहले मैं थियरी बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे डी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो आपके अल्फा और बीटा कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे। आपके अल्फा और बीटा कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, सेम नहीं आएंगे, ठीक है। मान लिया अगर डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाती है तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू एकदम सेम आएगी, और अगर डी की वैल्यू माइनस में आ गई तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको बोल देना है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम पहले क्या करते थे, क्वेश्चन आया, देखा, सॉल्व करने का शुरू कर दिया, उसमें हमारा टाइम चला जाता था कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे और हम सॉल्व करने के चक्कर में जा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन देखते ही तुरंत मेथड लगाना शुरू कर दिया और टाइम चला गया पूरा। तो पहले यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि क्या ये सच में क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है या सॉल्व हो पाएगा। यहाँ से आपको पहले स्टेप में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं करना है, ताकि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्मूला ले लेंगे, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अभी आपको याद नहीं होगा,
प्रैक्टिस करते चलोगे तो ये फॉर्मूला आप मतलब इतना इजीली रन कर पाओगे। ये तुरंत आपके दिमाग में आपको लर्न ही हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो सर वो अल्फा प्लस थीटा का होल स्क्वायर वो फॉर्मूला किसमें आता है? बाद में, रुको रुको, अभी उसके ऊपर आएंगे। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस डी। डी यहाँ पे क्या लेना है आपको? ये वाला डी लेना है, ये यहाँ पे जो ढूंढा होगा वो आपको डी लेना है, डिवाइड बाय 2a। प्लस और माइनस मैंने आपको पहले बताया था, प्लस और माइनस आपको बताया था मैंने, जैसे √49 आ रहा है तो उसके दो आंसर आएंगे, एक 7 प्लस में और एक 7 माइनस में, तो हम इसको लिख देते थे प्लस और माइनस 7। ठीक है, तो हम बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो ये था आपका मैं थियरी वाला पार्ट। यहाँ से आपके ये जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, अल्फा भी आएगा और ये आपका यहाँ से बीटा भी आएगा। ठीक है, तो ये था आपका थियरी वाला पार्ट। फिर से एक बार बता दूँ, पहले क्वेश्चन में से हम क्या करेंगे, ए बी सी डिफाइन करेंगे, ए बी सी क्या है वो पता करेंगे, फिर हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी की फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, √b² माइनस 4ac। चेक करेंगे डी की वैल्यू प्लस में आ रही है तो समझ जाएंगे अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू आएगा, अगर डी की वैल्यू जीरो आ रही है तो समझ जाना है कि अल्फा और बीटा का आंसर सेम ही आएगा, और डी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो समझ जाना है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसको वहीं पे वहीं ख़त्म कर देना, नो सॉल्यूशन करके आगे चले जाना। ठीक है, तो होप्स तो आपको थियरी प्रॉपरली समझ में आई है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, सर एक बार फिर से समझाओ ना, मैं अभी आई इसलिए मुझे नहीं कोई पता बात नहीं, चला। मैं वीडियो 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 दे रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो, फिर भी क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, मैं क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, सबसे आसान क्वेश्चन ले लेंगे ताकि समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 4m², फिर भी मैं एक बार कंडीशन आपको फिर से बता दूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तब, ताकि समझ में आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही आराम से करेंगे इसको। मैंने क्या बताया था, हम पहले स्टेप 1 के अंदर डी की वैल्यू पता करेंगे। डी की वैल्यू क्या थी, √b² माइनस 4ac। अगर ये डी की वैल्यू प्लस में आती है तो आपका अल्फा और बीटा अलग अलग आएंगे, अगर डी की वैल्यू जीरो में आता है आंसर तो आपका अल्फा और बीटा सेम ही आएंगे, और अगर आपकी डी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो हम इसको छोड़कर चले जाएंगे आगे, नो सॉल्यूशन लिख देंगे या नॉट एबल टू सॉल्व। ठीक है, फिर ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस है और माइनस डी। ये डी कौन सा लेना है आपको, ये जो आपने फाइंड किया वही आपको डी इधर लेना है, डिवाइड बाय 2a। ठीक है, यहाँ से आपको इसको सॉल्व करने के बाद दो आंसर मिलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। कैसे, ये पूरी कहानी हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम ए बी सी डिफाइन करेंगे, इसको फॉर्मेट में है कि नहीं चेक करते हैं, तो कंपेयर करने पे जानने को मिला कि ए की वैल्यू 4 बन रही है, बी की वैल्यू 4 बन रही है और सी की वैल्यू 1 बन रही है। अभी हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या था हमारा, डी की वैल्यू पता करना। डी की वैल्यू क्या थी, √b² माइनस 4ac। ठीक है, अब वैल्यू रख लेते हैं हम, डी √b की वैल्यू कितनी थी, 4 का स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 1, सॉरी सी की वैल्यू कितनी, 1। डी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस
ये 4 जा 16 हो गया, देख सकते हो रूट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। हम यहाँ पे ये कंडीशन किसके साथ मैच कर रही है, आप देख सकते हो ये इसके साथ मैच कर रही कंडीशन, मतलब हमने पता कर लिया, यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल गई कि यहाँ पे जो कुछ भी सॉल्व करेंगे हमारा अल्फा और बीटा सेम आएगा, मतलब जो भी दो आंसर आने वाले हैं वो दोनों के दोनों आंसर सेम ही होंगे। चेक कर लेते हैं अभी, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि क्या सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। स्टेप टू, क्या बोला था मैंने, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, ठीक है। मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर लेता हूँ दो तरीके से, कैसे तरीका देख लेना आप, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार मैंने ले लिया इसको प्लस में, और एक बार ले लिया मैंने इसको माइनस में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ये प्लस में है और एक माइनस में है, तो मैंने एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया। अभी वैल्यू रखेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना था, प्लस आप देख सकते हो रूट की वैल्यू कितनी आई, 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 4। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी की वैल्यू 0 आई थी डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 4। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा माइनस 4/8, और यहाँ पे भी आंसर आ रहा है हमारा माइनस 4/8। आप इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, और ये भी हो जाएगा माइनस 1/2। तो आप देख सकते हो जो पहले वाला आंसर है इसका आंसर क्या आया, माइनस 1/2, और दूसरे का भी आंसर क्या आया, माइनस 1/2। और यही तो हमने देखा था यहाँ पे कि अल्फा और बीटा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्यों सेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू थी, डी की वैल्यू थी वो कैसी थी, सेम थी। तो आप लिख दो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, सेम ही आएगा क्योंकि आपका डी का वैल्यू 0 हो गया था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि समझ में आए प्रॉपर तरीके से। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम, जिसको अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो यहाँ पे आपको पक्का समझ में आ जाएगा। 6x² + 7x + 1, पहले मैच कर लेते हैं ax² bx + c, a की वैल्यू मैच हो रही है 6 के साथ, 7 के साथ 1, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac। अब d इज इक्वल टू, d की वैल्यू है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, और a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 1। d इज इक्वल टू 7 × 7 = 49 - 7 × 6 = 42। d इज इक्वल टू हो गया 5, आ गया आपके पास 5 आएगा, 7 आएगा,
सेवन आ गया, ठीक है सही कर रहे हैं हम। फोर सिक्स जा, अरे कोई बोल नहीं रहा है, सिक्स फोर जा कितना होता है? 24 होगा। यहाँ पे 24 आएगा तो 49 को 24 से माइनस कराओ कितना हो जाएगा, 5 और 2। अरे वाह, रूट में 25 देख के आपको खुश हो जाना है। ये क्या देगा आपको, प्लस और माइनस 5। सर ये हम प्लस और माइनस 5 ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि रूट 25 की वैल्यू है तो इसके दो आंसर आएंगे ना, 5 और 5, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो दो बार लिखो, इससे अच्छा एक बार लिखो और उसके आगे प्लस और माइनस लगा दो, ठीक है? यस। अभी हम ने देखा था कि डी की वैल्यू प्लस में आई तो अल्फा और बीटा कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। डी की वैल्यू ज़ीरो में आए तो अल्फा और बीटा सेम होते हैं, और डी की वैल्यू माइनस में आए तो नो सॉल्यूशन करके छोड़ देना है क्वेश्चन को। यहाँ पे अल्फा और बीटा देखो, डी की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब हमें जो आंसर मिलेंगे वो आपस में मैच नहीं करेंगे, अलग अलग होंगे। देख लेते हैं अभी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। अब इसको दो तरीके से लिख लेता हूँ, एक प्लस में और एक माइनस में। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, और एक में लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना था हमारा, 7। आप देख सकते हो रूट डी की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी। हम यहाँ पे एक बार प्लस लिखेंगे, a की वैल्यू थी हमारे पास 6, और यहाँ पे माइनस 7, रूट डी की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, और यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस 6। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 7 प्लस 5 मतलब माइनस 2 बाई 12। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 बाय 12, 2 6 जा कटेगा यहाँ पे और 12 12 जा, एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/6, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस 1। देख सकते हो अल्फा जो आ रहा है वो माइनस 1/6 आ रहा है, और जो बीटा है वो माइनस 1 आ रहा है, और ये कंडीशन को मैच कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि अगर डी की वैल्यू प्लस में आ जाए, डी की वैल्यू प्लस में आ जाए तो आपका अल्फा और बीटा कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा, और देख सकते हो आपके सामने ही रिजल्ट है, अल्फा और बीटा आपस में दूसरे को मैच नहीं कर रहे, ठीक है। चलो एक और थर्ड क्वेश्चन लिया जाए ताकि 100% श्योरिटी आ जाए कि आ गया ऐसा। रूट वाला क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि बच्चों का डर चला जाए कि रूट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर यहाँ से हमें a मिल जाएगा 7, b मिल जाएगा 2√7, और c मिलेगा 1। स्टेप 1, डिस्क्रिमिनेट डिफाइन करेंगे हम, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इस स्टेप को, डी की वैल्यू कितनी है, 2√7,
जो रूट है ना वो रूट तो इधर ही खत्म हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है 7 और सी कितना है 1, जो रूट था वो आपका इधर ही खत्म हो गया। आप एक बार करके दिखा दो आपको मैं, 2√7 है इसका आपको स्क्वायर करना है, कैसे करोगे? ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा और ये सर इसके पास भी जाएगा, तो लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया मल्टीप्लाई ये स्क्वायर आपस में कट हो गए तो 7 आ गया, हो गया 28। समझ में आया होगा, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। 28 माइनस 7 पुरजा 28 लो। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए, रूट देख के आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया था, देखो डी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, मतलब यहाँ से आपको एक प्रेडिक्शन लगा देनी है, तो जो अल्फा और बीटा आएंगे वो कैसे आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। अभी सेकंड स्टेप करते हैं, स्टेप 2, वो बड़ा सा फॉर्मूला लिख लेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना था हमारा माइनस 2√7 प्लस डी की वैल्यू आप जानते हो 0 आई है, प्लस 0 लिखेंगे और 2 × 7 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2√7 डी की वैल्यू जानते हो 0 है, यहाँ पे हो गया 7। x इज इक्वल टू माइनस 2√7 डिवाइड बाई 14 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2√7 डिवाइड बाई 14। देख सकते हो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आ रही है, अभी भी चाहो तो कुछ कर कट कर सकते हो 2 7 जा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 7 जा कट कर सकते हो आप, माइनस रूट बाय 7 यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय माइनस √7 बाय 7। देखो अगर आप यहाँ पे भी कर सॉल्व करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको करना है एक स्टेप, आप क्लास 9 का मैथ्स अच्छी तरीके से जानते हो तो अभी भी आपका एक स्टेप आगे हो सकता है, ठीक है, बट ज़्यादा हम कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, चाहो तो एक स्टेप कर सकते हो आगे, √7 लिख सकते हो आप, बट वो अभी नहीं करेंगे हम, ये आपके यहाँ तक ही आंसर रखेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर आखिरी सम करेंगे और फिर हम मीटिंग ख़त्म करेंगे। कई सम ले रहा हूँ मैं, पहले चेक करना है फॉर्मेट में है कि नहीं, आपको देख के समझ में आ गया होगा ये फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट में एडजस्ट करेंगे इसको।
चलिए अब ये फॉर्मेट में आ गया है, यहाँ से a मिलेगा हमें 6, b मिल रहा है -7 और c आ रहा है -3। स्टेप वन, d फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -7 और उसका स्क्वायर करना है -4 इंटू ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -3। नंबर ज़्यादा है, ध्यान से एकदम आपको शांति से करना है इसको। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया इधर। अब 4 3 12 12 6 72, डी इज इक्वल टू दोनों का प्लस करने पे क्या आएगा 9 प्लस 2 11, कैरी गया 1, 7 प्लस 4 11 एंड 12। एक बार चेक कर लेते हैं 49 प्लस 72 कितना होगा 10 11 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 121। ये तो जाना हमारा नंबर लग रहा है मुझे, क्या आंसर आएगा इसका? 11 11। बहुत ही अच्छा, 121 है वो 11 का स्क्वायर रूट, 11 का स्क्वायर है तो इसलिए मैंने प्लस और माइनस में लिख दिया 11। स्टेप टू पे चले जाएंगे, पहले बड़ा सा फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस डी डिवाइड बाय 2a। एक बार माइनस में लिखेंगे -b प्लस डी डिवाइड बाय 2a और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -b माइनस डी डिवाइड बाय 2a। चलिए फटाफट से वैल्यू रखेंगे, -7 यहाँ पे माइनस की साइन तो फॉर्मूले की है और डी ऑलरेडी माइनस में है, ध्यान रखना इस बात का। प्लस 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -7, फॉर्मूला का ये माइनस है और डी की वैल्यू -7 है, माइनस डी 11 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 11 बाय 12 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ -11 बाय 12। x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 18 बाई 12 और x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 7 8 9 10 11 -4 बाई 12। लास्ट स्टेप में गलती नहीं करनी आपको, 6 3 जा और 6 2 जा यहाँ पे माइनस -4 इंटू 1 और यहाँ पे 4 इंटू 3, 4 4 कट हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी -1 बाई 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6 6 कट करेंगे तो 3 बाई 2। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। देख सकते हो डी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा अलग अलग होने चाहिए थे, अल्फ़ा और बीटा कैसे होने चाहिए थे, अलग अलग होने चाहिए थे, सेम नहीं होने चाहिए थे, इसीलिए
आप देख सकते हो अल्फा और बीटा की वैल्यू डिफरेंट है। तो चलिए ऐसा करता हूँ, समझ में आया है? ठीक है, अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो हम कल नहीं परसों करेंगे, कि कल कल का जो टाइम है मैं आपके इसीलिए दे रहा हूँ कि आपकी जो नोटबुक है वो कंप्लीट हो जाए। और सर एक दिन में अभी तक हमारे लिखना कैसे होगा, और स्कूल का भी है ना, हो जाएगा हो जाएगा। स्कूल का अभी वैकेशन है, अभी स्कूल का कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या ऐसा नहीं आ रहा है? मालूम है एक मिनट पहले क्या है, और वो जो एक ऐप दिया ना उसको सर वैकेशन होमवर्क भर भर के दिया है, तो फिर असाइनमेंट भी दिया है, वो एक ऐप है ना उन लोग उसमें डालेंगे असाइनमेंट, वो हमें लिख के बाद भेजना है। बट मेरा होमवर्क, मैं आपको होमवर्क कहाँ दे रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ में मैंने आपको सॉल्यूशन भी बना के दिया हुआ है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ। बट आप क्या करना, प्रैक्टिस डिलीट नहीं करेंगे, होमवर्क ऑटोमेटिक हो जाएगा फोन में जगह पर। हाँ बट देखो, मैथमेटिक्स आपका इंग्लिश और साइंस की तरह सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा समझा और आपको आ गया, आपको इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे गलतियाँ समझ में नहीं आएगी, और गलतियाँ समझ में नहीं आएगी तो गलतियाँ आप हटाओगे कैसे अपने आप में से, तो इसीलिए प्रैक्टिस सर हमने फिर करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे ऐसा बोल रहे हम, हमारा होमवर्क हो जाएगा स्कूल का तब हम करेंगे। मैंने वो सोच ही रखा है कि होमवर्क हो जाए एक बार बात सुनो 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 एक मिनट बाकी है हाँ सही बात बाकी है एक मिनट बाकी एक मिनट हाँ सही बात है। फिर ऐसा होगा कि आपका क्या होगा कि बहुत सारी मेथड में आपको पढ़ाने लगूंगा, आप सारी मेथड में आप जंबल हो जाओगे, इसलिए अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा थोड़ा चलता है और जितना हुआ उसको कल सर छुट्टी क्या सब कुछ रिकॉल कर लेंगे। कल छुट्टी कल आपका कल छुट्टी है कि नहीं ऐसा लगता है, बोल दे रहा हूं प्रैक्टिस करने का बोल। ठीक है, एक बार आप नोटबुक कंप्लीट कर लो कल तक, अभी जो जितनी नोट्स भेजी है वो, और आपका ये आज एक असाइनमेंट भेजने वाला हूँ सर 33 पेजेस का, वो सब एक ना कैसे लिख सकते हैं अली जो मैं कट करने वाला हूँ अली से ना पीडीएफ राखी रख दे लकी साथ ही चाल से ए तो मने पर जे कट करने वाला उसके अंदर तो पची जो कट है वो नहीं लिखना है उसमें सच्ची बात सर हम लेकिन वो असाइनमेंट कल तक सर हम लेकिन